अयोध्या के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले की अचानक कल रात को खबर आने से लोग एकदम हक्के बक्के रह गए, क्योंकि माना यह जा रहा था कि कुछ दिनों के बाद फैसला आएगा। लेकिन अचानक रात जब टीवी चैनलों पर आज फैसला आने की खबर चली तो लोग हक्के बक्के रह गए। कई घरों में शादियां भी थीं, फैसला आने की खबर मिलते ही उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं कोर्ट का क्या फैसला है और कैसा माहौल हो जाए। लेकिन बिजनौर पुलिस पूरी तरह से सतर्क थी, सादी वर्दी में भी पुलिस को तैनात किया गया था, शरारती तत्वों पर विशेष तौर से नज़र रखी जा रही थी, एसपी खुद फील्ड में मौजूद रहे। लेकिन हकीकत यह है कि लोग अब इस टॉपिक से ऊब चुके थे, लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द फैसला आए जिससे ये मुद्दा ही खत्म हो और नेता लोग विकास की बातें करें, क्योंकि अभी तक लोगों को मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में उलझाकर विकास के मुद्दों से दूर रखा जा रहा था। अब लोग खुलकर विकास की बातें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस और भी मुस्तैदी के साथ सक्रिय हो गई, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी सड़कों पर देखे गए, दोनों ही अधिकारियों ने लोगों से बातचीत भी की। हालांकि शहर का काफ़ी बाजार बंद देखा गया, जो दोपहर होते होते खुलना शुरू हो गया था। लोग बसों में भी रोज़ाना की भांति सफ़र करते हुए देखे गए। कुल मिलाकर बिजनौर में पूरी तरह से अमनो अमान कायम रहा। हालांकि सरकार द्वारा बच्चों की 3 दिनों की छुट्टियां घोषित होने के बाद बच्चों ने खुलकर घरों और गलियों में उत्पात मचाया। बिजनौर में देर शाम तक भी पुलिस की गाड़ियां शहर में गश्त करती रहीं। सरकारी अस्पताल में भी आज मरीजों की भीड़ काफ़ी कम रही। 300 से 350 मरीज रोज़ देखने वाले डॉक्टरों ने मरीजों की संख्या और दिनों के मुकाबले आज कम होने की बात कही। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसके क्रम में कल से ही हमारी तैयारियां पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से थी। हमारे अधिकारियों ने, हम सब ने मिलकर पैदल मार्च, फ्लैग मार्च भी किया और हमारे पूरे जनपद को जोन्स और सेक्टर्स में विभाजित करके वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और सबको लगातार सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पूरे जनपद में शांति व्यवस्था कायम है, सब कुछ सामान्य है। आप सभी से इसी प्रकार सहयोग की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज कितने मरीज देखे हैं आपने और रोजाना कितने मरीज देखे हैं? अभी तक मैंने 55 मरीज देखे हैं। और वैसे आप अगर देखते हैं तो 200, 225 मरीज तक देखे। तो आज अंतर मिला? 300 तक हो जाते हैं। अच्छा, तो आज जनता टीवी देख रही थी? आज जनता टीवी देख रही थी और जनता आज बहुत कम आई है जी। और मेरे पास तो 1/4 भी नहीं आई। चाचा क्या नाम है आपका? अमर सिंह नाम है। अमर सिंह जी, रोज कितने पर्चे बनाते थे आप और आज कितने पर्चे बनाए हैं आप? लगभग 1200 या 1600 2000 तक बनते। और आज कितने पर्चे बनाए आपने? आज है 570 के लगभग। तो फर्क दिखाई दिया है आज कुछ? हाँ,